नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इस चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लड़कों के गाल पर तिल होते हैं वे लड़के कैसे होते हैं। तिल दोस्तों हमारे फ्यूचर के बारे में हमें पहले ही थोड़ा बहुत इशारा कर देते हैं। हमारे शरीर पे जितने भी तिल होते हैं वो किसी ना किसी रूप में हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। मानव के शरीर पर तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं के तिल अशुभ भी माने जाते हैं। तो जिन लड़कों के गाल पर तिल होते हैं उनका क्या मतलब होता है, आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। उसके अलावा आप जितने भी सपने देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उन सपनों का काफ़ी वीडियो बने हुए हैं तो आप उनको देख सकते हैं। और आपको उनके अलावा भी कोई भी सपना आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तुरंत आपको उसका जवाब मिलेगा। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जिन लड़कों के गाल पर तिल होते हैं वे कैसे होते हैं। वे तिल बहुत ही शुभ होते हैं दोस्तों, जिन लड़कों के गाल पर तिल होते हैं। लेकिन कौन से तिल शुभ होते हैं कौन से अशुभ होते हैं वो भी आप जान लीजिए कि अगर बाएं गाल पर तिल होता है तो वो शुभ होता है या दाएं गाल पर तिल होता है वो शुभ होता है। तो हम बताते हैं, पहले बाएं गाल पर तिल होता है। जिन लड़कों के बाएं गाल पर तिल होते हैं वे लड़के, उनका तिल शुभ नहीं माना जाता है। उन लड़कों का तिल शुभ नहीं माना जाता है, उनको निर्धन माना जाता है। जिन लड़कों के बाएं गाल पर तिल होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। और जिन लड़कों के दाएं गाल पर तिल होता है वे धनी माने जाते हैं, वे बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। जिन लड़कों के दाएं गाल पर तिल होता है वो शुभ माना जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।